जिस फैसले का इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था, जिसको लेकर हिंदू मुस्लिमों में काफी दशकों से विवाद चल रहा था, उस फैसले का इंतजार आज खत्म हुआ है। अयोध्या मामले पर आज सुनवाई 10:30 बजे शुरू की गई। हालांकि इस फैसले को मध्यस्थों को भी दिया गया, लेकिन मध्यस्थ भी फैसला नहीं कर पाए। फिर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया। इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिया बोर्ड की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और साथ ही निर्मोही अखाड़ा की याचिका को भी खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि सबसे पहले इस विवादित जमीन पर मंदिर था। हालांकि इसके कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कब्जे का दावा नहीं कर सकते, मुसलमानों के अधिकार हिंदुओं से ज़्यादा थे, इस बात के भी कोई सबूत नहीं है। मुसलमानों ने मस्जिद छोड़ दी थी, इसका भी कोई सबूत नहीं है। 18वीं सदी तक नमाज के कोई सबूत नहीं है और ढांचे को गिराना कानून व्यवस्था का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह देने का आदेश दिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। हालांकि राम जन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन दे दी गई है। अयोध्या की विवादित जमीन केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्र इस जगह मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का गठन करे। ट्रस्ट मंदिर बनाने के नियम 3 महीने में पूरा करेंगे। शांति और सौहार्द कायम रखने का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना ही हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया और ना ही मुसलमानों के पक्ष में फैसला दिया। सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला सबूतों, दलीलों और तथ्यों के आधार पर दिया। हालांकि सरकार ने अयोध्या राम मंदिर फैसले को लेकर सरकार ने पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू है, साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में अर्धसैनिक बलों के 4,000 जवानों को तैनात किया गया है। राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मी तैनात रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई घटना ना हो। ड्रोन से अयोध्या शहर की निगरानी की जा रही है। अयोध्या को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कई 30 कमेटियां बनाई हैं। इन कमेटियों में शामिल लोग जिले के गांवों में जाकर लोगों से शांति और प्रेम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। बाहर के जिलों में दर्जनों की संख्या में अस्थायी जेल परिसरों का निर्माण किया गया है। अयोध्या विवाद मामले में फैसले के मद्देनजर हर साल 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होने वाले वार्षिक लखनऊ महोत्सव को जनवरी तक के लिए टाल दिया गया है। फैसले के मद्देनजर पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर बंद रखने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक यूपी में 9 से 11 नवंबर तक स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। हालांकि सरकार ने आज इतना बड़ा फैसला राम मंदिर पर दिया, जिस फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके देश में शांति का माहौल बनाए रखने की अपील की। इससे पहले जब धारा 370 हटाने पर भी सरकार ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। कहीं ना कहीं सरकार को ये पता था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला हिंदुओं के पक्ष में करेगा, इस बार भी पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ सरकार का दोहरा रवैया राम मंदिर और तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को लेकर देखा जाता है। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में रविदास मंदिर तोड़े जाने से बहुजनों ने अपनी नाराजगी जताई थी। रविदास मंदिर तोड़े जाने के बाद नाराज दलित समाज के लोगों ने रामलीला मंदिर में विशाल प्रदर्शन करने के बाद जब तुगलकाबाद पहुंचे तो वहां पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। लोगों की पत्थरबाजी के जवाब में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी कई राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। हिंसा के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण समेत 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और यहां पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया था। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार सभी 91 आरोपियों पर दंगा फैलाने, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने का मामला दर्ज किया था। हालांकि सरकार का दावा था कि ये जमीन सरकार की है, बाद रविदास मंदिर को तोड़ दिया गया।
बहुजनों की आस्था और विश्वास को चोट पहुंचाई गई। हालांकि बहुजनों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद बहुजनों की आस्था को आहत ना पहुंचे, इसके लिए सरकार ने बहुजनों को 400 गज जमीन दी, जिसको लेकर बहुजन बेहद ही नाराज हैं। इस पर आपके क्या राय है हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।